अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 2 पे आ जाओ। चैप्टर नंबर 2 जो है इसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। नाम से बता रहे हैं कि इस चैप्टर में दो पोर्शन आपको मिलेंगे, एक तो मैट्रिसेस का पोर्शन है, एक डिटरमिनेंट का पोर्शन है। अब क्या क्या पढ़ना है इसमें, क्या करना है, जरा मैं आप लोगों को मेन आइडिया दे देता हूँ कि पहला जो हम पोर्शन स्टार्ट करेंगे वो मैट्रिसेस का ही होगा। मैट्रिसेस का सबसे बड़ा पोर्शन जो है ना वो इसके टाइप्स हैं। मैट्रिसेस की बहुत टाइप्स हैं, तो मेजर पोर्शन जो है मैट्रिसेस के अंदर वो टाइप्स हैं जो हम पढ़ेंगे, उसी से रिलेटेड सवाल आएंगे। और मुझे नहीं पता कितनी एक्सरसाइज है, मैंने देखी नहीं है इसके अंदर, लेकिन मेजर पोर्शन शुरू में आपको वही मैट्रिसेस की टाइप्स का मिलेगा। तो टाइप्स पढ़ने से पहले जरा मैट्रिसेस के बारे में पढ़ लेते हैं, है क्या चीज, उसके बाद जरा टाइप्स देखेंगे। तो बच्चों ये जो मैट्रिसेस है ना, ये बहुत ही काम का टॉपिक है। आपके जो मेजोरिटी मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर है वो बेस ही मैट्रिसेस के ऊपर कर रहे होते हैं। वो इनपुट मैट्रिसेस की फॉर्म में लेते हैं, वो आउटपुट आपको मैट्रिसेस की फॉर्म में देते हैं। तो मैट्रिसेस एक बहुत ही अच्छा तरीका है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, तो बहुत काम का तरीका है। और आपके सॉफ्टवेयर मैंने बताया जितनी एनिमेशन या कार्टून आप लोग देखते हो, तो ये जो डिपेंड करते हैं, ये जो इनमें मैथ यूज होती है वो लीनियर अलजबरा उसको कहते हैं। और लीनियर अलजबरा में मेजर पोर्शन क्या है, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस काफी काम की चीज है, आप लोगों को सही कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए ओके। और जब यूनिवर्सिटी में आप लोग इंजीनियरिंग में पढ़ोगे ना, तो ऐसे कोर्सेज आप मैथ में देखोगे जो लीनियर अलजबरा के कोर्सेज होते हैं, मतलब उसमें आधा पोर्शन, काफी मेजोरिटी पोर्शन मैट्रिसेस के ऊपर होगा। तो बकायदा कोर्स पढ़ाया जाता है पूरा, तो इसका मतलब मैट्रिसेस को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो एक तरीका होता है नंबर्स को लिखने का, जैसे आपने सेट में देखा था, सेट में आप क्या करते हो, नंबर्स को लिखते हो, लिस्ट पूरी बना के लिख रहे होते हो, कॉमा से सेपरेट कर रहे हो, तो ये लिखने का तरीका होता है जिसको आप सेट कह रहे होते हो। लेकिन सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप नंबर्स को रैंडमली कहीं पे भी लिख दो, बात एक ही मानी जाएगी। अगर आप मैट्रिसेस की बात करो, जैसे सेट के अंदर होता था ना, आप नंबर्स को मतलब नंबर्स को कलेक्ट कर लो, या आप किसी के नाम कलेक्ट कर लो वो भी सेट कहलाता था, या कुछ सिंबल्स कलेक्ट कर लो, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गैमा इस टाइप पे, ये भी सेट कहलाता था। इसी तरह मैट्रिसेस के अंदर भी होता है कि मैट्रिसेस के अंदर आप नंबर्स को भी कलेक्ट कर सकते हो, कोई वो अल्फाबेट भी हो सकते हैं, या कोई कोई भी आपके पास सिंबल्स हो सकते हैं। अब होता क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है मैट्रिसेस की, तो मैट्रिसेस ऐसे नंबर्स के अरेंजमेंट है, नंबर्स को आपने अरेंज करना है इस तरीके से कि आपको एक रेक्टेंगुलर पैटर्न नजर आ रहा हो, ठीक है, आपको क्या नजर आ रहा हो, एक रेक्टेंगुलर पैटर्न नजर आ रहा हो। अच्छा याद रखना, एक स्क्वायर पैटर्न भी आपको नजर आता है, लेकिन याद रखो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, स्क्वायर को रेक्टेंगल भी आप बोल सकते हो, रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते, लेकिन स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल होता है। क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है, अपोजिट साइड इक्वल हो, तो स्क्वायर में अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो आप बोल सकते हो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो कहने का मतलब एक वर्ड हम यूज करते हैं रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। तो अगर आप मैट्रिसेस में देखो तो आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा होता है, कुछ केसेस में मैट्रिक्स स्क्वायर भी होती है ऑब्वियसली, और बहुत ज्यादा तादाद है जिसमें स्क्वायर होती है, लेकिन उनको भी आप रेक्टेंगल ही बोल रहे होते हो। तो जनरलाइज जुमला क्या है, सबसे पहले नंबर्स जिनकी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होगी, मतलब आपने रेक्टेंगुलरली उनको अरेंज किया हुआ है। लेकिन रेक्टेंगुलर अरेंज करने के बहुत तरीके होते हैं, आपने जिस तरीके में किया हुआ है वो रोज एंड कॉलम में किया हुआ है, कि नंबर्स हैं वो रेक्टेंगुलर पैटर्न तो बना रहे हैं, लेकिन किस तरीके से भी रेक्टेंगल को आपने डिवाइड किया हुआ है, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज किया हुआ है आपने। तो ये जो पूरी रिप्रेजेंटेशन है, इसमें अगर आप नंबर से किसी भी चीज को कलेक्ट कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, इस फॉर्म को आप क्या बोलते हो, मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिसेस तो प्लूरल है ना, सिंगुलर क्या होगा, मैट्रिक्स। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है मैट्रिक्स के बारे में। अब मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैट्रिसेस के जो भी नाम होते हैं ना वो कैपिटल लेटर से आप लिखते हो, कैपिटल ए कैपिटल बी से लिख रहे होते हो। और जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो आप स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो या राउंड ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिस है 1 2 3 4, इस तरह भी आप लिख सकते हो, या इसको राउंड ब्रैकेट के साथ भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से आप मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल ए, नाम इसका कैपिटल लेटर से होगा और रिप्रेजेंट करने के दोनों तरीके होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से करो या राउंड ब्रैकेट से करो, दोनों तरीके आपको मिलेंगे। बुक्स में भी आप लोगों की बुक में शायद ज्यादातर स्क्वायर लिखा हो, लेकिन दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है जो आप लोगों को बताना है, अच्छा जनरलाइज फॉर्म में अगर आप देखो ना, तो मैट्रिक्स को जनरलाइज फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए है, जनरलाइज फॉर्म क्या होगी, A11 A12 डॉट डॉट डॉट, उसकी इसी तरह A21 A22 डॉट डॉट डॉट, या नीचे भी डॉट लगाते हैं, एक सेकेंड
कितनी रॉज होती हैं? एन रॉज होती है ना, तो ये N1 N2, जरा समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि तो याद रखो, आपकी जो मैट्रिक्स है ना, अगर आप उसकी जनरल फॉर्म देखो, तो हम बोलते हैं कि जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स का ना एन रोज होती हैं, सॉरी रोज एम होती हैं, इसके लिए एम का वर्ड यूज करते हैं। स्टैंडर्ड रखा हुआ है, वरना जरूरत नहीं होती आपको। लेकिन जो बुक में आपकी यूज हुई भी है और जो जनरलाइज बुक में यूज हुई है, वो नोटेशन करवाना चाह रहा हूँ कि हम कंसिडर करते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर एम रोज है। अब वो एम का मतलब क्या है? एम कुछ भी हो सकती है, M10 भी हो सकता है, M15 भी हो सकता है, मतलब 10 रॉस भी हो सकती हैं, 15 रॉस भी हो सकती हैं। रॉस ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इनको आप रॉस कह रहे होते हो, तो 15 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, 60 भी हो सकती हैं, तो ये एम कुछ भी हो सकता है। तभी मैंने डॉट 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 लगाया कि दूसरी पे तीसरी चौथी कितनी भी रॉस हो सकती हैं, किसी ने पाबंदी तो नहीं लगाई ना। मिनिमम एक रॉ होगी, ज्यादा से ज्यादा एम रॉस है। अब एम कुछ भी हो सकता है। इसी तरह अगर आप कॉलम्स की बात करो, तो कॉलम भी ज्यादा हो सकते हैं। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, फिर तीसरा, चौथा, कितने कॉलम्स होंगे? तो हम कंसीडर करते हैं कि टोटल एन कॉलम्स हैं, ठीक है? तो इसको लिखेंगे किस तरह? 1N, इसको लिखेंगे 2N, डॉट डॉट डॉट, इसको लिखेंगे MN। तो कहने का मतलब समझो, पहला जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये रॉ को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर पहले नंबर को देखो, 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि पहली रॉ है ये। ये जो दूसरा नंबर है, सॉरी, यहाँ पे देखो पहला नंबर क्या है? 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, क्यों? क्योंकि दूसरी रॉ है। और जो दूसरा नंबर है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे 1 का मतलब पहले कॉलम में, 2 का मतलब दूसरे कॉलम में, n का मतलब के n कॉलम में होंगे। वेयर n अगर 10 है, तो उसका मतलब आखिरी कॉलम क्या है? 10वां कॉलम होगा, ठीक है? तो पहला नंबर रिप्रेजेंट करता है रॉ को, दूसरा नंबर रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो इस तरह भी आप मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, ठीक है? और मैट्रिक्स में कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? M/N, ये समझ लो, ये ऑर्डर है। इसको पढ़ते किस तरीके से हैं? M/N। लिखने का एक और तरीका भी होता है, अगर मैं आपको बोलूँ ना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये तो आप इस तरह भी लिख सकते हो। ये ओ ए का मतलब क्या होता है? ओ ए का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर का मतलब कितने रोज, कितने कॉलम। तो हम क्या बोलेंगे? M/N। दिखने में ऐसा लगता है, लेकिन पढ़ते नहीं है, M/N नहीं बोलते इसको, हम M/N बोलते हैं। M/N मतलब एम रोज है और एन जो है वो इसके अंदर कॉलम्स है। वेयर एम और एन कुछ भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो सकते हैं, मतलब 1 से स्टार्ट होगा ना, 0 रॉस तो नहीं हो सकती ना, मतलब मैट्रिक्स ही नहीं बनेगी। तो या तो एक रॉ होगी, 2 होंगी, 3 होंगी, 10 होंगी, 15 होंगी। इसी तरह नेगेटिव भी नहीं हो सकती, -1 रॉ, -2, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो एम और एन है ना यहाँ पे, ये बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से, कुछ नेचुरल नंबर ही हो सकते हैं ये। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप बोलते हो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, इसी तरह अगर मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट को आपने रिप्रेजेंट करना है ना, तो नॉर्मली हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं AIJ से। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये वो नोटेशन है जो यूज हो रही होती है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग घबराना नहीं, ये आईजे का मतलब क्या है। कोई नहीं है, जनरलाइज अगर आपने किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है, देखो अब आप किसी भी एलिमेंट को इस तरह लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये आखिरी एलिमेंट होता है, जनरलाइज नहीं है। जनरलाइज का मतलब कि वो एलिमेंट इस पोजीशन पे भी आ सकता है, वो एलिमेंट इस पोजीशन पे भी हो सकता है। जनरलाइज का मतलब वो किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, ठीक है? तो जनरलाइज लैंग्वेज में आप उसको लिखते हो AIJ, इस तरह नहीं लिखोगे, इसका मतलब तो आखिरी एलिमेंट होगा ना। तो जनरलाइज हम क्या लिखते हैं? AIJ, वेयर आई किसको शो करता है? उसके रॉ नंबर को। जे किसको शो करता है? उसके कॉलम नंबर को। जैसे अगर आप इस एलिमेंट को देखो, इस एलिमेंट की पोजिशन क्या है? 2 2, मतलब दूसरी रॉ में है और दूसरे कॉलम में ये। इसी तरह इस वाले की पोजीशन क्या है? A 2 1, मतलब दूसरी रॉ में है लेकिन पहले कॉलम में, तो 2 1। तो दैट्स वाई ये इसका मतलब क्या होता है? एलिमेंट इन दूसरी रॉ एंड पहला कॉलम। तो आप इसका क्या जवाब दोगे? 3, दूसरी रॉ और पहले कॉलम में 3 है। इसी तरह इसका जवाब क्या दोगे? 4, दूसरी रॉ कॉलम में मौजूद है, ठीक है? तो जनरलाइज इनको हम कैसे लिखेंगे? AIJ, जनरलाइज रिप्रेजेंटेशन है। जब मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करवा रहा हूँ ना, तो कहीं AIJ लिखूंगा, ठीक है? तो वहां घबराना नहीं कि IJ क्या लिख दिए, बस जनरलाइज हम बात कर रहे होते हैं। वेयर आई क्या हो सकता है? I1 भी हो सकता है, I2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, आपको कहाँ तक हो सकता है? M तक हो सकता है, क्योंकि I रिप्रेजेंट करता है रॉ नंबर को ना। तो ये जो पहला नंबर है, ये ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? जितनी रॉज है, अगर 10 रॉज है, ये पहला वाला नंबर 10 ही हो सकता है, होगा ना ये। अगर 9 रॉज है तो पहला वाला नंबर 9 होगा। और इसी तरह जे जो है, ये जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम नंबर को। तो कॉलम कितने हो सकते हैं?
वन से स्टार्ट होंगे, कहाँ तक जाएंगे भाई? एन तक जाएंगे, एन कॉलम्स हमने कंसीडर किए, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे ना ऑब्वियसली। फॉर एग्जाम्पल किसी में पांच कॉलम्स हैं तो आखिरी जे की वैल्यू क्या होगी? वन होगी, टू होगी, थ्री होगी, फोर होगी और फाइव होगी। तो जे वन से स्टार्ट होता है, जितने कॉलम्स है वहां तक जाएगा ये। अच्छा एक सवाल स्टूडेंट के जहन में आ सकता है और जो अभी अभी मेरे जहन में आया है और मुझे उसका जवाब पता नहीं है, मैं सर्च कर लूंगा फिर भी, कि बिल्कुल अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर 10 कॉलम है और फॉर एग्जाम्पल 11 रॉज है, मतलब 11 रॉज और 10 कॉलम, उसको हम कैसे लिखेंगे, उसका ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे? तो ऑर्डर लिखने का तरीका तो ईजी है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखोगे 11 बाई 10, 11 रॉज है और 10 कॉलम है, लेकिन मसला है कि एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसे एलिमेंट को शो करना चाह रहा हूँ जो 10वीं रॉ के अंदर है और 9वें कॉलम में है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो मेरे जहन में आ रहा है शायद इस तरह लिखेंगे 10,9, शायद इस तरह माना जाएगा, क्योंकि 109 तो इतना अच्छा नहीं रहेगा, तो शायद इस तरह लिखा जाएगा कि 10 रॉज है, मतलब 10वीं रॉ और 9वें कॉलम में जो है उस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो शायद ये नोटेशन होगी, लेकिन मैं सर्च कर लूंगा, अगर मुझे मिल गया कोई अच्छा तरीका तो मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो बस जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को मैट्रिसेस के ऊपर दे दिया कि मैट्रिसेस होती क्या है, मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अच्छा ऑर्डर क्या होता है मैट्रिसेस का, जनरल फॉर्म क्या है मैट्रिसेस की, ये बेसिक बातें हमने पढ़ ली हैं। अब एक बेसिक बात आप एक और देख लो, वो क्या है, फिर मैं टाइप्स पे आता हूँ। वो ये है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी। ये टॉपिक वैसे बाद में बताने वाला था लेकिन बुक में उन्होंने पहले लिख दिया है, तो चलो डिस्कस कर लेते हैं पहले ये, चलो बाद में डिस्कस कर लेंगे ये, मैं उस वक्त डिस्कस करूंगा जब मैं मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो तब हम ये इक्वालिटी भी डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इक्वालिटी का ऐसा कोई काम है नहीं, तो हम जरा टाइप्स वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। तीन चार टाइप्स पढ़ लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ लेंगे। सबसे पहले बुक में उन्होंने कौन सी टाइप्स लिखी है? सबसे पहली टाइप है रॉ मैट्रिक्स, बड़ी इजी इजी टाइप्स हैं। अच्छा जिसको पता हो जरा मुझे बता देना कि रॉ मैट्रिक्स किसको कहते हैं। इसमें नंबर एक्सीलेंट भाई, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रॉ हो उस मैट्रिक्स को आप क्या कहते हो? रॉ मैट्रिक्स। तो याद करना काफी इजी है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रॉ हो उसको आप रॉ मैट्रिक्स कहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये डेफिनेशन जो है ना ये बुक में लिखी हुई है, मैं आपको बस एग्जाम्पल देकर समझा दूंगा, तो डेफिनेशन बुक में देख लेना। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, -4, 5, अगर आप इस मैट्रिक्स को देखो एक ही रॉ है इसके अंदर, दैट्स इट। कॉलम चार है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चार कॉलम्स के दरमियान आपस में स्पेस होती है, तो आप खुद ही समझ आ जाता है 1 और 2 के दरमियान जो स्पेस है ना, इसका मतलब बताना चाह रहे हैं कि दूसरा कॉलम है, फिर तीसरा है, ये चौथा है। तो कहने का मतलब इस मैट्रिक्स का अगर कोई मुझे ऑर्डर बताए, ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का? 1/4 एक्सेलेंट भाई, 1/4, मतलब 1 रॉ और 4 कॉलम्स। तो ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हो? रॉ मैट्रिक्स। इसको हम जनरलाइज लैंग्वेज में भी लिखते हैं, जितने भी रॉ मैट्रिक्स है ना उनके ऑर्डर क्या होते हैं, उनके जनरलाइज ऑर्डर ये होते हैं 1/n, मतलब कॉलम्स जो हैं वो उसके अंदर कितने भी हो सकते हैं लेकिन एम की वैल्यू 1 होगी, मतलब रॉ एक ही है, कॉलम जितने भी हो सकते हैं, 5 हो, 6 हो, 10 हो, वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? रॉ मैट्रिक्स कहलाती है। तो जनरलाइज लैंग्वेज में आप इस तरह लिख देते हो। अच्छा जी, अब दूसरी पे आ जाओ, वो है कॉलम मैट्रिक्स। अगेन नाम आपको पता चल गया तो आप बता सकते हो सारे से, कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगी जिसके अंदर एक कॉलम हो, 1, 2, -1, 4 फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आप इसको देखो तो कॉलम इसके अंदर एक ही है, रॉ इसके अंदर चार है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो कॉलम एक है, चार रॉज हैं, ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे? कॉलम मैट्रिक्स। और जनरली जो कॉलम मैट्रिक्स होती है उनका ऑर्डर क्या होता है? m/1, मतलब उसमें कॉलम नंबर एक ही है, n की जगह पे क्या लिखोगे? 1 लिखोगे, कॉलम एक ही होगा उसका। हाँ रॉज डिफरेंट हो सकती हैं, m रॉज मतलब 5, 6, 10 जितनी भी रॉज होती है उसके अंदर। उसके बाद है तीसरी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिनमें रॉ नंबर और कॉलम नंबर आपस में बराबर हो। डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में इस तरीके से, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एम और एन आपस में बराबर हो,
मतलब अगर दो रॉ है तो दो ही कॉलम है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको दिखते हुए भी स्क्वायर नजर आएगा, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, दो ही रॉ है दो ही कॉलम है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो उस मैट्रिक्स को आप बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी बहुत अहमियत है, इसी से रिलेटेड आप मेजोरिटी आगे बातें पढ़ोगे। ठीक है तो मैं एग्जाम्पल चलो दे देता हूँ इसके अंदर। इसका ऑर्डर क्या बाय द वे इस मैट्रिक्स का जो मैंने लिखी है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो मैट्रिक्स ए लिखी है 3/3। 3/3, ये बहुत ही काम की मैट्रिक्स है, बहुत आगे जाके आप लोग देखोगे 3/3 मैट्रिक्स है। अच्छा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी फिर आप आसानी से बता सकते हो, जिसमें रॉ और कॉलम आपस में बराबर ना हो, दो रॉ हो तो तीन कॉलम हो, या तीन रॉ है तो पांच कॉलम है उसके अंदर, ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और कोई एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -2, तो ये भी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या बच्चों जल्दी से बताओ? टू 2/4। 2/4, दो रॉज हैं चार कॉलम्स हैं, तो चार टाइप्स तो हमने पढ़ ली हैं, और कौन सी है? अच्छा एक और पढ़ लेते हैं क्योंकि उसके बाद से जो है वो थोड़ी मुश्किल स्टार्ट हो जाएंगी, और आखिरी हम देखते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स। पांचवी है उसको जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं या नल मैट्रिक्स भी बोली जाती है, और ये नाम से बता रही है ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हों, उस मैट्रिक्स को आप कहते हो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स का एक स्पेसिफिक हम सिंबल भी यूज करते हैं, ओ ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0, 0, 0, 0, 0, 0, तो अगर आप इस मैट्रिक्स को देखो तो नल मैट्रिक्स कहलाई जाएगी। ऑर्डर इसका 2/3 है, मतलब दो रॉज हैं तीन कॉलम है, लेकिन है ये इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो इस मैट्रिक्स को आप बोलोगे नल मैट्रिक्स। अच्छा याद रखो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना, इसमें अगर आप ऑर्डर बताओ तो अगर आप बोल रहे हो ना कि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है, तो फिर आपको ऑर्डर में दो चीजें बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये जैसे मैट्रिक्स है 3/3, अब अगर मैं बोलूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3/3, जुमला सेंस नहीं बना रहा, क्योंकि अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फिर दोनों नंबर सेम ही होंगे, रॉ नंबर और कॉलम नंबर सेम होगा, तो बजाय मैं बोलूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, मैं जस्ट ये बोल दूंगा स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि मुझे पता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दोनों रॉ नंबर 3 और 3 होंगे, तो 3/3 बोलने से बेहतर है मैं जस्ट 3 बोल दूंगा, तो मैंने शुरू में मेंशन कर दिया स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरह आपको एक सिंबल नजर आता है जो नॉर्मली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आप यूज करते हो, कि बिलफर्ज अगर आपके पास लिखा हो इस तरीके से A3, वेयर ए मैट्रिक्स है, अगर आपको बोला जाए ए मैट्रिक्स है तो A3 का मतलब क्या होगा? कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, मतलब 3 रॉस हैं 3 कॉलम है उसके अंदर। इसी तरह अगर आपके पास O3 कहीं लिखा जाए ना, O3 का मतलब यहाँ पे ये ओजोन का फॉर्मूला नहीं है, O3 का मतलब यहाँ पे ये यह कि नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 की नल मैट्रिक्स है, मतलब 0 0 के सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह लिखा जाए इसका मतलब क्या है? नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। तो ये बेसिक सी बातें समझ लो, पांच हमने टाइप्स पढ़ ली, कुछ बेसिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया, बाकी इंशाल्लाह कल की क्लास में हम पढ़ लेंगे। अच्छा बच्चों हमने टाइप्स लास्ट क्लास में मैट्रिसेस का पोर्शन हमने स्टार्ट किया था, मैट्रिसेस में आपने पांच टाइप पढ़ ली थी, एक तो रॉ मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स, इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और पांचवी टाइप आपने पढ़ी थी जीरो मैट्रिक्स या जिसको आप नल मैट्रिक्स भी कह सकते हो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये आप हर जगह यूज कर रहे होगे, आगे जाके यूनिवर्सिटी में जितने आप कोर्सेज कर रहे होते हो कहीं ना कहीं ये मैट्रिक्स आ ही जाती है, और इस मैट्रिक्स को आप कहते हो डायगनल मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है तो समझना इसका बड़ा जरूरी है, ये आपके लिए काफी आसानियां पैदा करती है, क्योंकि आगे जाके आप टॉपिक पढ़ोगे एडजॉइंट इनवर्स डिटरमिनेंट। तो माइक्रोफोन ऑन है किसी के स्टूडेंट का? किसका ऑन है? मेरीन का ऑन है।
आगे जाके आप टॉपिक पढ़ोगे कि आप मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल रहे हो या मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल रहे हो, तो ये जो डायगनल मैट्रिक्स है ना, इसका इनवर्स बड़ा आसानी से है, इसका डिटरमिनेंट काफी आसानी से आ जाता है, तो इसकी काफी इंपॉर्टेंस है। मतलब तो डायगनल मैट्रिक्स को गौर से समझना। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, आप इसको इस तरह समझो, मैं हमेशा बच्चों को ऐसे समझाता हूँ कि कंसिडर कर लो एक रूम है आप लोगों के पास, उस रूम के अंदर एक मैट्रिक्स का रूम है, नहीं इसको समझ लो एक घर है, उस घर को हम नाम दे देते हैं मैट्रिक्स का। अब उस घर के अंदर दो रूम है, एक रूम है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, वो थोड़ा छोटा रूम है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की इतनी खास अहमियत है नहीं वैसे, ज्यादातर आप देखोगे जितनी मेन मेन टाइप्स पढ़ोगे ना, वो ज्यादातर स्क्वायर होती है। तो एक रूम में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और एक रूम में स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब ये जो रूम है ना स्क्वायर मैट्रिक्स का, इसके अंदर आपको सारी स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेंगी। अब स्क्वायर मैट्रिक्स सिंपल क्या होती है भाई, जिसके नंबर ऑफ रोज बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम के, ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब इस पूरे रूम में कुछ ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिनको आप क्या बोलोगे, डायगनल मैट्रिक्स बोलोगे। जरा सिचुएशन को समझना कि कुछ ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स आपको नजर आ रही है कि जिनको आप क्या बोलोगे, डायगनल मैट्रिक्स बोलोगे। और क्यों बोलोगे वो मैं कंडीशन आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जितनी डायगनल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर तो होंगी। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है और फिर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो उसको आप डायगनल बोलोगे। मतलब स्क्वायर होना तो लाजमी है, स्क्वायर होने के बाद अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो आप उसको क्या बोलोगे, डायगनल मैट्रिक्स। और कंडीशन क्या, जरा कंडीशन को समझो, ये मैं कंडीशन लिख रहा हूं आपको अभी समझ नहीं आएगी, बाद में समझाता हूं, अभी बस देख लो लिखा क्या है मैंने। ये बात आपको अभी समझ आएगी नहीं, पहले मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, फिर डेफिनेशन में हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल एक कंसिडर कर लो, एक मैट्रिक्स ए है, 1 0 0 0 2 3 0 0 3, ऊपर वाले को मिटा देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो वर्ड होता है डायगनल, किसी को पता है डायगनल किसको कहते हैं, डायगनल क्या होता है, कोई डेफिनेशन किसी को या कुछ याद हो के डायगनल हमने कहीं पढ़ा था सुना था। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम में पढ़ा था, बच्चे कह रहे हैं स्क्वायर में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्क्वायर बनाया, रेक्टेंगल बनाया, कुछ भी, तो इस लाइन को नॉर्मली आप डायगनल कहते हो। डायगनल वो लाइन होती है जो ये जो अपोजिट वर्टेक्स है ना उनको मिलाती है। इसी तरह एक डायगनल यहाँ पे भी होता है। तो इसी तरह जब आपको स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर करोगे तो दो डायगनल आपको नजर आएंगे, एक तो ये वाला है, एक आपको इस तरीके से नजर आएगा। लेकिन हम कौन सा डायगनल यूज करेंगे, हम यूज करेंगे प्रिंसिपल डायगनल, जिसको मेन डायगनल भी बोला जाता है, जिसको लीडिंग डायगनल भी बोला जाता है, तीनों इसी के नाम है, प्रिंसिपल डायगनल, मेन डायगनल, लीडिंग डायगनल। और ये कौन सा डायगनल होता है, जो ये टॉप लेफ्ट से स्टार्ट होता है और बॉटम राइट पे खत्म हो रहा होता है, ये वाला। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीडिंग डायगनल क्या होता है, इसके तीन नाम है, आप इसको लीडिंग भी बोलते हो या आप इसको प्रिंसिपल भी बोलते हो या आप इसको मेन डायगनल भी बोलते हो, ये सब इसी के नाम है। और ये है क्या, ये वाला डायगनल जो आप लोगों ने सामने बना हुआ है, जो स्क्वायर के अंदर कंसीडर कर लो, ये डायरेक्शन जो होती है इसको डायगनल कहते हैं। तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो मेन डायगनल है उसके अलावा सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो मेन डायगनल है इसके अलावा अगर आप सारे एलिमेंट्स को देखो सब जीरो है। सबसे पहली कंडीशन है कि मेन डायगनल के अलावा सारे एलिमेंट जो हैं वो जीरो होने चाहिए। अब दूसरी बात, मेन डायगनल की बात करते हैं, मेन डायगनल में कुछ एलिमेंट जीरो भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो कि कोई भी एलिमेंट जीरो ना हो। जैसे इसमें आप देखो सारे एलिमेंट नॉन जीरो हैं, मतलब इसमें मेन डायगनल के अंदर आपको कुछ जीरो तो नजर नहीं आ रहा। ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि मेन डायगनल के अंदर कोई एक एलिमेंट जीरो हो, ऐसा भी हो सकता है कि मेन डायगनल के अंदर दो एलिमेंट जीरो हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मेन डायगनल के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, नहीं फिर वो डायगनल मैट्रिक्स नहीं रहेगी। तो मेन डायगनल का एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉन जीरो हो, दो जीरो भी हो सकते हैं, एक जीरो भी हो सकता है, लेकिन तीन जीरो नहीं हो सकते, वरना फिर वो डायगनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी। तो क्या होती है डायगनल मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगनल मेन डायगनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो हो, और दूसरी बात कि जो डायगनल के एलिमेंट्स हैं वो एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है ना वो नॉन जीरो होना चाहिए, एटलीस्ट एक एलिमेंट
नॉन जीरो। ज्यादा से ज्यादा दो भी नॉन जीरो हो सकते हैं, तीन भी नॉन जीरो हो सकते हैं, अगर 4x4 की मैट्रिक्स है तो चार भी नॉन जीरो हो सकते हैं, लेकिन एक जो है ना वो एटलीस्ट नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डायगनल के सारे एलिमेंट ही जीरो हो, वो नहीं डायगनल मैट्रिक्स रहेगा। तो आप ये समझ लो कि ये भी डायगनल मैट्रिक्स है। बिल्कुल, अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, ये भी डायगनल मैट्रिक्स की एग्जाम्पल है, और अगर मैं इस तरह लिखता हूँ तो ये भी एक डायगनल मैट्रिक्स है। ये तीनों एग्जाम्पल जो है डायगनल मैट्रिक्स की। डेफिनेशन में कोई मसला है तो पूछ लो। अच्छा जी, अब जरा इसको इस फॉर्म में समझो। अब इसका मतलब क्या है? मैंने लास्ट क्लास में बताया था ए आई जे जो है ना ये किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो मैंने बात बोली थी ना कि डायगनल के अलावा एलिमेंट, अब सवाल ये कि रियल लाइफ में भी अगर आपको अपनी पोजीशन बतानी होती है, पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कराची में बैठे हुए हो, नाम तो हमने रख दिया है सिटी का कराची, लेकिन इसकी पोजीशन क्या है दुनिया के हिसाब से? तो कराची का एक लैटिट्यूड है, कराची का लॉन्गिट्यूड है, इसी तरह आप हाइट मेजर आपको पता होता है कराची की हाइट क्या है, जैसे मरी जो है वो काफी ऊपर है, कराची नीचे है। कहने का मतलब ये कि पोजीशन बताने के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए ना। इसी तरह मैट्रिसेस के अंदर अगर आपने किसी एलिमेंट की पोजीशन बतानी है तो आपको पता होना चाहिए कि किस रॉ के अंदर है, किस कॉलम के अंदर है वो। अब मैंने ये बात अगर आप ऑब्जर्व करो कि डायगनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन क्या है, तो स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं ये जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या है? A12 वन टू पोजीशन है इसकी। क्यों? पहली रॉ में है ये और दूसरे कॉलम के अंदर है। इसकी पोजीशन क्या है? 1 3। अच्छा क्वेश्चन मुझे बता सकता है इस एलिमेंट की पोजीशन? A21 एक्सीलेंट भाई, मैं अभी जस्ट पोजीशन की बात करूं, जो आप लोग A21 कह रहे हो ना वो सही बात है, वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है अगर ए का वर्ड यूज किया जाए, लेकिन अभी हम सिर्फ पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो ये दूसरी रॉ में है और पहले कॉलम के अंदर। इसी तरह हम इनकी भी लिख लेते हैं, ये 3 1 है, ये 3 2 है, और इसी तरह ये क्या हो जाएगा बच्चों? A23 एक्सीलेंट, A23 दूसरी पोजीशन, दूसरी रॉ, तीसरा कॉलम। आप इन सब में कॉमन बात क्या देख रहे हो? ये कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो इन सब 6 पोजीशन में कुछ कॉमन बात है? कॉमन बात ये है कि इनका रॉ नंबर और कॉलम नंबर डिफरेंट है। कॉलम नंबर 1 है, सॉरी रॉ नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2, रॉ नंबर 1 कॉलम नंबर 3, इसी तरह 2 3 3 2, 3 1 2 1। इन सब में अगर आप ऑब्जर्व करो इनका आई और जे डिफरेंट है, मतलब रॉ नंबर और कॉलम नंबर डिफरेंट है इन 6 एलिमेंट्स का। जबकि ये जो डायगनल एलिमेंट्स हैं अगर आप इसमें ऑब्जर्व करो इन सबका इक्वल है। जैसे इसकी पोजीशन क्या है? 1 1। इसकी पोजीशन क्या है? 2 2। इसकी पोजीशन क्या है? 3 3, मतलब तीसरी रॉ तीसरे कॉलम के अंदर। तो हमने यहाँ पे एलिमेंट्स के अंदर दो किस्म की डिवीजन देखी है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका रॉ नंबर और कॉलम नंबर आपस में बराबर है, और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसमें रॉ नंबर और कॉलम नंबर आपस में बराबर नहीं है। तो दो बातें एड्रेस की जा सकती हैं, आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब रॉ नंबर कॉलम नंबर के बराबर नहीं है, या दूसरी डिवीजन क्या है कि जिसमें कॉलम नंबर और रॉ नंबर जो है ये आपस में बराबर है। ठीक है, तो दो किस्म के डिवीजन देखिए। अब मैंने आप लोगों क्या बोला था, डायगनल एलिमेंट्स के अलावा जो है वो सब क्या होना चाहिए? जीरो। डायगनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन ये होती है आई नॉट इक्वल टू जे। ये जो 6 एलिमेंट है ना ये डायगनल के अलावा एलिमेंट्स है ना, तो इनमें अगर आप देखो आई और जे आपस में बराबर नहीं है। तो मैंने एक चीज लिखी है, मैंने लिखा है कि जो भी एलिमेंट जिनमें आई और जे आपस में बराबर नहीं है वो सब क्या होंगे? वो सब जीरो होंगे। आप ऑब्जर्व कर लो, मेन डायगनल के अलावा जितने 6 एलिमेंट हैं जिसमें आई और जे बराबर नहीं है, ऑब्वियसली वो सब क्या होंगे? वो जीरो के बराबर होंगे। तो ये बात लिखी गई है आई ए जे, सॉरी ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, मतलब ए आई जे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, कि वो एलिमेंट जीरो है फॉर ऑल। इस उल्टे ए का मतलब होता है फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, मतलब वो एलिमेंट जिसमें आई और जे आपस में बराबर नहीं है वो सब क्या होने चाहिए? जीरो। ये पहली कंडीशन जो मैंने आप लोगों को समझाई थी। दूसरी कंडीशन मैंने क्या बोली थी कि जो डायगनल एलिमेंट है इसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम एक जो है वो नॉन जीरो हो। ज्यादा से ज्यादा दो भी नॉन जीरो हो सकते हैं, तीन भी नॉन जीरो हो सकते हैं, कंडीशन है कि एटलीस्ट एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये मैंने बात लिखी है एटलीस्ट 1 aij नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा। कौन सा एलिमेंट? जिसमें आई और जे आपस में बराबर होता है, मतलब इन डायगनल एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। डायगनल एलिमेंट जो है इसमें एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट हो जो नॉन जीरो होना चाहिए। दो भी नॉन जीरो हो सकते हैं, तीन भी, लेकिन कम से कम एक नॉन जीरो हो। ये कंप्लीट डेफिनेशन होती है डायगनल मैट्रिक्स।
आप मुझे बताओ सबने समझ लिया डेफिनेशन ये? ठीक है एक्सेलेंट, याद रखना बहुत काम की डेफिनेशन है, बहुत काम की मैट्रिक्स है। अब जब आपने डायगनल मैट्रिक्स समझ लिया ना, आपके लिए बाकी जो दो टाइप्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको समझना कोई बड़ी बात नहीं। तो हमने देखा था एक रूम है ना, रूम है स्क्वायर मैट्रिक्स का, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में कुछ ऐसी मैट्रिक्स हैं जिनको आप क्या बोलोगे, डायगनल, जो इन बातों को सेटिस्फाई कर रही होगी। ठीक है, आप कंसिडर कर लो एक रूम था जिसमें स्क्वायर था और उन स्क्वायर में कुछ डायगनल थी। अब वो जो समझ समझ लो कि आपके सामने डायगनल मैट्रिसेस हैं सारी, उन डायगनल मैट्रिसेस में भी कुछ ऐसी मैट्रिक्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी जो मैं बताने जा रहा हूँ, और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी उनका हमने क्या नाम रखा हुआ है, उनका नाम रखा हुआ है स्केलर मैट्रिक्स। अब जरा कंडीशन देख लेते हैं, वो कंडीशन क्या है। सबसे पहली बात, अगर ये डायगनल मैट्रिक्स है, क्योंकि मैंने वही बात बोली ना कि कंसिडर कर लो कुछ डायगनल मैट्रिक्स है, अब उन डायगनल मैट्रिक्स में से कुछ को आप क्या बोलोगे, स्केलर बोलोगे, तो उसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगनल तो होगी लाजमी, और अगर वो डायगनल है तो फिर वो स्क्वायर भी होगी ऑब्वियसली। तो स्केलर मैट्रिक्स डायगनल भी होती है स्क्वायर भी होती है, और किस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन तो वही है जो डायगनल की थी, फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे। और दूसरी कंडीशन क्या है कि ए आई जे इज इक्वल टू के फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। समझो जरा एग्जाम्पल से क्या होती है। अगर मैं आप लोगों के सामने कोई मैट्रिक्स लिखूं, फॉर एग्जाम्पल 2 0 0 0 0 सॉरी 0 0 root 4 0 0, आप इसमें क्या बात ऑब्जर्व कर रहे हो, जरा गौर से देखो आपको डायगनल एलिमेंट्स का क्या आपस में रिलेशन लग रहा है, सारे एक ही नंबर है, 2 2 2 सारे इक्वल है। ये कंफ्यूज करने के लिए मैं रूट फोर लिखा है, रूट फोर 2 के बराबर होता है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो ये डायगनल मैट्रिक्स तो है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक किस्म की डायगनल मैट्रिक्स है। क्यों स्पेसिफिक किस्म की क्यों है, कि इसके डायगनल एलिमेंट सारे इक्वल है आपस में, जितने भी डायगनल एलिमेंट है वो सारे इक्वल, और इसमें जीरो नहीं हो सकता क्योंकि सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए ना, तो अदर देन जीरो ही होंगे, क्योंकि अगर सारे जीरो हो गए तो वो डायगनल मैट्रिक्स ही नहीं रहेगी ना, फिर तो नल मैट्रिक्स हो जाएगी वो, तो इसमें जीरो नहीं आ सकता। ठीक है, तो अदर देन कोई भी नंबर आ जाए, अगर सारे डायगनल एलिमेंट्स इक्वल हैं तो उस डायगनल मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे, स्केलर मैट्रिक्स। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि जो नॉन डायगनल एलिमेंट है वो तो जीरो ही होंगे ना, वो तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जो डायगनल एलिमेंट है मतलब जिसमें आई और जे आपस में बराबर होता है, वो किसके बराबर है, वो किसी के बराबर होंगे। वेयर के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मैं आगे लिख देता हूँ, के बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर यहाँ पे आ सकता है, तो सारे डायगनल एलिमेंट जो है वो के बराबर होंगे, के कोई भी रियल नंबर होगा। तो इस ऐसी डायगनल मैट्रिक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे उसको आप क्या बोलोगे, स्केलर मैट्रिक्स। सही, अब आखिरी रह गई है और वो है, नहीं आखिरी मतलब ये मैंने कल 6 हो गई, ये 7 हो गई, अब 8 है, इसको आप बोलते हो यूनिट मैट्रिक्स, या इसका एक और नाम भी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा जी, अब ये क्या होती है, वही बात कि आपके पास एक रूम था स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसमें कुछ डायगनल थी, अगर आपने उन डायगनल में देखा तो कुछ डायगनल में से ऐसी मैट्रिक्स थी जो स्केलर थी। अब आप उन स्केलर मैट्रिसेस को देखो, उन स्केलर मैट्रिसेस में आपको कुछ ऐसी मैट्रिसेस नजर आएंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। क्या कंडीशन है, कंडीशन है कि ए आई जे नॉट इक्वल सॉरी जीरो के बराबर फॉर ऑल आई इक्वल टू जे, नॉट इक्वल टू जे, ये तो वही कंडीशन है डायगनल वाली, और ए आई जे इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल आई इक्वल टू जे। बस इसमें देखो फर्क क्या है, इसमें था कि सारे एलिमेंट आपस में बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, कोई भी रियल आ सकती है, कोई नेगेटिव नंबर आ जाएगा यहाँ पे, कोई पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, पॉइंट में आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है ना, उन सब रियल नंबर में से एक ऐसा नंबर भी है जो 1 होता है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है ना कि यहाँ पे 1 1 1 आ जाए, तो वो भी तो स्केलर मैट्रिक्स है। लेकिन ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके सारे डायगनल एलिमेंट्स इक्वल हो और 1 हो, उस वाली मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे, यूनिट मैट्रिक्स। तो देखने में आपको इस टाइप की लगेगी। तो अगर आप ऑब्जर्व करो स्केलर मैट्रिक्स है, सारे एलिमेंट्स इक्वल है, लेकिन एक स्पेसिफिक किस्म की स्केलर मैट्रिक्स है,
कि सारे एलिमेंट इक्वल तो है लेकिन किसके बराबर है, वन के बराबर है। तो इसका मतलब ये वाली मैट्रिक्स को आप स्केलर भी बोलोगे, इस वाली मैट्रिक्स को आप डायगनल भी बोल सकते हो, इस वाली मैट्रिक्स को आप स्क्वायर भी बोल सकते हो। क्योंकि देखो स्क्वायर होगी तो वो यूनिट मैट्रिक्स होगी, क्योंकि अगर वो स्क्वायर नहीं है तो ना फिर वो डायगनल होगी ना वो स्केलर होगी, और यूनिट तो वो हो ही नहीं सकती। तो ये पूरी चेन चलती हुई आ रही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में से कुछ ऐसी मैट्रिक्स है जो डायगनल है, अब उन डायगनल मैट्रिक्स में से कुछ ऐसी मैट्रिक्स है जो स्केलर है, और उसमें से कुछ ऐसी है जो यूनिट मैट्रिक्स है। तो पूरी ट्री डायग्राम इसकी आप लोगों को मैंने बता दी। हाँ मुझे बताओ क्लियर है सबको, यहाँ पे कोई सवाल है तो पूछ लो। अरे एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, इसको नॉर्मली आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके नाम में आइडेंटिटी आ रहा है तो ये एक आइडेंटिटी होती है, जैसे रियल नंबर में आइडेंटिटी है तो मैट्रिक्स में भी आइडेंटिटी होती है। अब जब वो टॉपिक आएगा तो इंशाल्लाह मैं उसको बता दूंगा। तो नॉर्मली आई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 की है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की भी हो सकती है, 1 0 0 1, ये 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है तो बच्चों ये 8 टाइप्स हो गई है, इसका एक काम करो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नया अलग टाइप्स करवाना स्टार्ट करता हूँ। जो 9th टाइप है उसको आप बोलते हो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो एक खाली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की सेंस नहीं होती, मतलब आप ये नहीं बोल सकते ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या तो अपर होगी या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोअर होगी, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये होती क्या है, अगर आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करो ना तो सबसे पहली बात स्क्वायर होती है। मैंने वही बात बताया, मेजोरिटी आप मैट्रिक्स पढ़ोगे जो स्क्वायर होती है। अब जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स का एक रूम था ना, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का एक रूम था जिसमें कुछ ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स थी जिसको आप डायगनल बोल रहे हो। अब उसमें से कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसी मैट्रिसेस होंगी जो अपर ट्रायंगुलर होंगी, ठीक है। अब वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, कंडीशन उनकी ये है कि ए आई जे 0 के बराबर होगा फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे। अब इसका क्या मतलब है, आई ग्रेटर देन जे का मतलब क्या होगा, क्या लगता है? वो बड़ी होगी कोलन के, वो जो एलिमेंट्स है ना, मतलब ऐसे एलिमेंट जिसमें आई ग्रेटर देन जे का मतलब उनका रॉ नंबर जो है वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू कॉलम नंबर। अब जरा देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, फिर एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये आपके पास कंसीडर कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको अगर मुझे अपर ट्रायंगुलर बनाना है तो सबसे पहले वो पोजीशन जिसमें आई ग्रेटर हो, जरा बताओ कौन कौन सी पोजीशन हो सकती है, बताओ जिसमें आई ग्रेटर हो जैसे। जरा ये 4 की पोजीशन देखो, 4 की पोजीशन को क्या हम बोलेंगे, 2 1, रॉ नंबर क्या है 2, कॉलम नंबर क्या है 1। इसी तरह ऐसे एलिमेंट ढूंढो जिसमें रॉ नंबर ग्रेटर हो कॉलम नंबर छोटा हो। 4 तो मैंने बता दिया, 7 7 है भाई, 7 की पोजीशन 3 1 होती है, सही बताया। और 8 8 हो जाएगा ना, 8 की पोजीशन 3 2 होती है, मतलब 3 तीसरी रॉ है दूसरा कॉलम है। तो ये 4 3 एलिमेंट है, 4 7 और 8। अगर आप इनकी पोजीशन देखो ना, इनकी पोजीशन में रॉ नंबर ग्रेटर होता है। देखो आपको अगर इस हिसाब से आप देखो ना तो 3 किस्म की पोजीशन नजर आएंगी। एक होगी जिसमें आई ग्रेटर है जे से, मतलब 2 1 3 1 3 2, ये 3 पोजीशन मैंने आपको बता दी। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसमें आई स्मॉल होगा जे से, वो ये है। अगर आप इसकी पोजीशन देखो, इसकी पोजीशन क्या होती है, 1 2, रॉक छोटा कॉलम बड़ा। इसकी पोजीशन 1 3, इसकी पोजीशन 2 3। तो ये 3 एलिमेंट है जिसमें आई स्मॉल होता है, आई छोटा होता है एज कंपेयर टू जे। और तीसरे वो एलिमेंट्स हैं जिसमें आई और जे बराबर होता है, ये वो इस किस्म के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो ऐसी ट्रायंगुलर ऐसी मैट्रिसेस कि जिसमें वो एलिमेंट्स जिसमें आई ग्रेटर हो जे से, अगर वो सारे एलिमेंट 0 हैं तो उस मैट्रिक्स को आप बोलोगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो मैंने आप लोगों के सामने लिखी है क्या कहलाती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और जरूरी नहीं है कि 3 एलिमेंट ही 0 हो, शर्त क्या है कि कम से कम ये 3 एलिमेंट ये वाले 0 होने चाहिए। अच्छा यहां भी कोई 0 आ सकता है, अच्छा इधर भी कोई 0 आ सकता है, यहां भी कोई 0 आ सकता है, ये कोई मसला नहीं है। असल शर्त क्या है कि 3 0 होने चाहिए, बस ये असल शर्त है। बाकी ऊपर में से कोई भी 1 2 3 4 कोई भी 0 हो सकते हैं, आप उसको अपर ट्रायंगुलर ही बोलोगे।
मैंने शायद क्या है कि तीन जो है ना ये जीरो होना चाहिए। सही बच्चों? अच्छा जी। तो अच्छा इसका एक और स्टूडेंट आमतौर पर पूछते हैं कि सर इसको अपर ट्राइंगुलर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ट्राइंगल जो है वो ऊपर बन रहा होता है, नीचे सारे एलिमेंट जीरो होते हैं ना, तो एक किस्म का ट्राइंगल आपको मिल रहा है। अगर आप देखो तो ये ट्राइंगल जो है ये ऊपर की साइड के ऊपर है। अब अगर आप एक और टाइप देखो जिसको हम बोलते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, तो उसमें अगर आप देखना ट्राइंगल नीचे बन रहा होगा। अगेन ये भी स्क्वायर होगी, और दूसरी इसकी कंडीशन क्या होती है कि वो वाले एलिमेंट जीरो होंगे फॉर ऑल आई लेस देन जे, जिसमें आई लेस हो जे से। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे तीन ऐसी पोजीशन है, ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ये तीन ऐसी पोजीशन है जिसमें आई छोटा होता है जे से, तो ये सारी क्या हो जाएंगी जीरो के बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे? लोअर ट्राइंगुलर। लोअर ट्राइंगुलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ट्राइंगल नीचे बन रहा है। ठीक है, कंडीशन भी बता दी और डिटेल में उसके बारे में बता दिया, तो ये दोनों टाइप भी आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अब क्या है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स, जरा इसको भी जरा समझ लेते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है? बहुत मेरे ख्याल में 15-20 तक टाइप्स मिलेंगी आपको, काफी ज्यादा टाइप्स है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये काइंड ऑफ ऑपरेशन के अंदर आ जाएगा, मैट्रिक्स की टाइप्स के अंदर इतना अच्छा बनता तो नहीं है, लेकिन बात कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ना, उसकी आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालनी होती है, ज्यादातर ये हो रहा होता है। और ये आती कैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक मैट्रिक्स ए दे दी जाए, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कंसिडर कर लो कि ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स दे दी जाए, और आपको बोला जाए कि यार इस मैट्रिक्स की आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालो, या सिंपल लैंग्वेज में इसको हम इस तरह बोलते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए की ट्रांसपोज निकालो, मतलब सिंपल ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम उसको कह रहे हैं। तो ट्रांसपोज होता क्या है, क्या करते हैं क्या है इसके अंदर? तो अगर ये मैट्रिक्स ए है ना, इसका आपको ट्रांसपोज निकालना है, जिसको हम ये टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ए टी, मतलब मैंने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला। तो इसमें आप क्या करते हो, आप कॉलम्स को तब्दील कर देते हो रॉ के अंदर, या इसको आप इस तरह भी बोल सकते हो, रॉ को हमने तब्दील कर दिया कॉलम्स के अंदर। क्या मतलब? जैसे 1 2 3 रॉ है ना, आप इसको कॉलम बना दो, 4 5 6 रॉ है, आप इसको कॉलम बना दो, 7 8 9 रॉ है, आप इसको कॉलम बना दो। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को देखो, इसमें क्या हुआ कि जो ऊपर रॉ थी वो कॉलम बन गई, या इसको आप दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हो कि जो कॉलम थे वो रॉ बन गए। तो इस मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हो? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, या सिंपल ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 बाई 2। और जरूरी नहीं कि इसमें स्क्वायर हो, आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले सकते हो। मैं एक और एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर के अलावा कुछ और लेट कर लेते हैं, रेक्टेंगुलर लेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब डेफिनेटली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ना ये, इसका भी हम जरा ट्रांसपोज निकालते हैं। 1 2 3 4 रॉ थी, कॉलम बना दो, 5 6 7 8 रॉ थी, कॉलम बना दो। तो ट्रांसपोज जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का आप निकालोगे, स्क्वायर रेक्टेंगल किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल सकते। तो अब अगर आप देखो इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाई 4, 2 रॉ है 4 कॉलम है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4 बाई 2, 4 रॉ 2 कॉलम, तो आपका ऑर्डर चेंज हो जाता है पूरा। अगर 2 बाई 4 ऑर्डर है तो 4 बाई 2 हो जाएगा, इसका अगर ऑर्डर 3 बाई 3 है तो खैर इसमें 3 बाई 3 होगा, लेकिन ऑर्डर चेंज हो जाता है। इस तरह अगर 1 बाई 3 है तो 3 बाई 1 हो जाएगा, ये ट्रांसलेशन। अच्छा एक यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ जो मुझे यहाँ पे बताना चाहिए था, वो ये है कि ऐसी मैट्रिक्स, अगर आप लोग खुद थोड़ा सोचो, ऐसी मैट्रिक्स जो अपर ट्रायंगुलर भी हो और लोअर ट्रायंगुलर भी हो, कहने का मतलब अपर ट्रायंगुलर की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, लोअर ट्रायंगुलर की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, तो ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे वैसे? डायगनल एक्सीलेंट भाई, डायगनल मैट्रिक्स। क्योंकि अगर आपने देखा था डायगनल मैट्रिक्स के अंदर, डायगनल मैट्रिक्स जो है वो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्यों? ये तीनों एलिमेंट जीरो हैं।
लेकिन आप लो ट्रायंगुलर भी बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि ये तीन एलिमेंट भी जीरो है। तो डायगनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जो अपर भी है और लोअर भी है, ठीक है? तो ऐसी मैट्रिक्स जो अपर भी हो लोअर भी हो उसको आप क्या बोलोगे? डायगनल मैट्रिक्स। ये पॉइंट बुक में लिखा हुआ है, तो ये भी समझा दिया आप लोगों को। अब क्या रह गई है? अच्छा, अब रह गई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, उसको भी जरा समझ लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अच्छा जी, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? अगेन सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर होती है, तो पहले तो ध्यान में रखो आप कि क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए। मैं एंड पे ना इन सब मैट्रिक्स की एक ट्री डायग्राम बना दूंगा ताकि आप लोगों को बेहतर आइडिया हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स तो बहुत है। कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स डायगनल है, कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है, कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर है, और कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है? कंडीशन जरा देख लेते हैं कि उसमें ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। मतलब वो ऐसी मैट्रिक्स होंगी कि जिनमें आप ट्रांसपोज निकालो तो मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें देखो, इस मैट्रिक्स का जब मैंने ट्रांसपोज निकाला था तो टोटली डिफरेंट होगी थी ना ये, और आप इसको देखो दोनों टोटली डिफरेंट है। अच्छा, यहाँ पे एक टॉपिक था जो मैंने कहा था मैं ऑपरेशन के साथ या प्रॉपर्टीज के साथ पढ़ा दूंगा, वो बुक वालों ने पहले मेंशन किया हुआ था। उसकी वजह यही थी कि इसमें जाके आपको पता होना चाहिए, तो बेहतर हम वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले छोटा सा टॉपिक है, वो है इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। ये दो मैट्रिक्स को आप इक्वल कब कहोगे? तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? दो बातें। सबसे पहली बात कि जब ऑर्डर सेम हो या ऑर्डर इक्वल आप बोल दो, और दूसरी बात कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल, क्या मतलब इसका? भाई देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखूं, वन टू थ्री, और एक मैट्रिक्स लिखो वन टू थ्री। अगर आप देखो इनके एलिमेंट सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मैं बाद में बताता हूँ करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, देखने में आपको लग सकता है कि इक्वल मैट्रिक्स है, सेम ही एलिमेंट है इसके अंदर, लेकिन ये इक्वल नहीं है। इक्वल के अंदर दो बातें आपने देखनी होती है, सिर्फ एलिमेंट सेम हो ये काफी शर्त नहीं होती, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो और दूसरी बात उनका ऑर्डर सेम हो। अब इसका मतलब क्या है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं जो सेम पोजीशन के ऊपर होते हैं। अगर आप सिर्फ इस शर्त को भी लेके चलो ना तो बात एक ही बनेगी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो होते हैं जो सेम पोजीशन के ऊपर हो। अब इसकी और इसकी पोजीशन ही डिफरेंट है। जैसे इसके अंदर अगर आप देखो, इस एलिमेंट की पोजीशन है 2 1, इसमें 2 1 पोजीशन ही नहीं है, दूसरी रॉ ही नहीं है ना इसके अंदर। तो सबसे पहले ऐसी मैट्रिक्स जिनकी पोजीशन करस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, मतलब उनका ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर सेम होगा तभी आप उनमें करस्पॉन्डिंग पोजीशन को देखोगे। करस्पॉन्डिंग मतलब सेम पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और दूसरी मैट्रिक्स कह लेते हैं 1 2 3 4, या थोड़ा अगर बिल्कुल चेंज कर लेते हैं 4, इस तरह कर लेते हैं। अगर आप इसमें देखो तो इन दो मैट्रिक्स के ऑर्डर तो सेम है, लेकिन इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। करस्पॉन्डिंग जो सेम पोजीशन पे एलिमेंट हो, जैसे देखो 1 1 के बराबर है, सही बात है, 2 2 के बराबर है, सही है, 3 4 के बराबर नहीं है, मतलब ये वाली पोजीशन और इस वाली पोजीशन पे सेम एलिमेंट नहीं है। तो दोनों शर्त आपने देखनी है, एक तो ऑर्डर सेम हो, दूसरा जब ऑर्डर सेम हो और उसके साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, तो आप बोलोगे कि वो दो मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है। मतलब अगर आप इसको देखें तो ऑर्डर भी इक्वल, 2 बाय 2 2 बाय 2, और जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है? इक्वल है, सही है? अच्छा जी, तो आप जरा समझ लेते हैं कि सिमेट्रिक ऐसी होती है कि उनमें अगर आप ट्रांसपोज ले लो या ट्रांसपोज ना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें देखो फर्क पड़ गया ना, मैट्रिक्स ए में 1 2 3 था, यहाँ पे 1 4 7 है, तो फर्क पड़ गया, इसका मतलब है सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक में ट्रांसपोज देने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखते हैं ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिसमें फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अगर आप देखो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसे मैंने बनाई है बाद में बताता हूँ, लेकिन पहले जरा ट्रांसपोज निकालते हैं इसका। 1 2 3 रॉ है, कॉलम बना दो। 2 -4 5 रॉ है, कॉलम बना दो। 3 5 -6 रॉ है, कॉलम बना दो। देखो कोई फर्क है? नहीं है, कोई फर्क नहीं है।
ये जादू कैसे हुआ? तो भाई आपने ट्रांसपोज लिया, आपने रॉस को कॉलम बना दी पूरी, कोई मैट्रिक्स फर्क ही नहीं पड़ रहा। यहाँ पे अगर आप देखो, ए ट्रांसपोज और ए मैट्रिक्स बराबर है, इक्वल है आपस में। तो ये जो ए मैट्रिक्स है ना, ये क्या कहलाई जाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एक तो आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन देख ली कि उसमें ए ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर होता है। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप बनाते कैसे हो? यहाँ सिंपल लैंग्वेज में सिमेट्रिक मैट्रिक्स इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करती है, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ऐसी कौन सी कंडीशन है जो उसको सिमेट्रिक बनाती है? वो कंडीशन क्या है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ए जो है, इसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करो, ए आई जे बराबर होगा ए जे आई जे। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, इस एलिमेंट की पोजिशन क्या है? 1 2। तो जो 1 2 पोजिशन वाला एलिमेंट है वो बराबर होगा 2 1 पोजिशन वाले एलिमेंट की। इसकी पोजिशन होती है 1 2, इसकी पोजिशन होती है 2 1, दोनों एलिमेंट बराबर है। इसी तरह इस एलिमेंट की पोजीशन क्या होती है? 1 3, और इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है? 3 1। तो 1 3 और 3 1 ये वाले एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसी तरह अगर आप इस एलिमेंट की देखो पोजीशन, ये होती है 2 3, तो इसकी पोजीशन क्या है? 3 2। तो 1 2 और 2 1 ये आपस में बराबर होंगे, 3 2 और 2 3 ये आपस में बराबर होंगे, और 1 3 और 3 1 ये आपस में बराबर होंगे। बाकी डायगनल एलिमेंट आप कुछ भी चूज कर लो अपनी तरफ से, बस इन दो एलिमेंट्स को बराबर रखना, इस वाले और इसको बराबर रखना, इसको और इसको बराबर रखना। डायगनल एलिमेंट आप अपनी मर्जी से कुछ भी चूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सिंपल मैं सवाल को चेंज करता हूँ, यहाँ पे -1 लगा देता हूँ, फर्क ये पड़ेगा कि -1 2 3 आपने बनाया था, यहाँ -1 आ जाएगा, बस अभी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो डायगनल एलिमेंट आप अपनी तरफ से कुछ भी चूज कर लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो डायगनल के अलावा मैट्रिक्स है ना, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर। ठीक है, अब स्क्यू सिमेट्रिक देख लेते हैं। अगेन, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। किस कंडीशन को? सबसे पहले ही कंडीशन तो सेम ही है कि स्क्वायर होनी चाहिए। उसके बाद इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी कि उसमें उसका ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के बराबर। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जब आप उसका ट्रांसपोज लो तो वो बराबर हो अपने नेगेटिव के। जैसे कंसीडर कर लो मैट्रिक्स ए आप हो, जब मैं आप मैट्रिक्स का मतलब जो मैं हूं, कंसीडर करो मैट्रिक्स ए हूं, मैं जब ट्रांसपोज लूंगा अपना, तो जो मेरा ट्रांसपोज है वो बराबर होगा मेरे नेगेटिव के। मतलब मेरे मैट्रिक्स का अगर नेगेटिव निकाला जाए वो बराबर होगा उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के। जरा समझते हैं इसको क्या मतलब है। एक मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता हूं, स्ट्रेट अवे सबसे पहली बात आप ऑब्जर्व करोगे कि डायगनल एलिमेंट जीरो है। जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं उनके डायगनल एलिमेंट जीरो होते हैं, सबसे पहली बात। कोई ऐसी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसमें डायगनल एलिमेंट जीरो ना हो, वो स्क्यू हो ही नहीं सकती। स्क्यू होने के लिए लास्ट में डायगनल एलिमेंट को आपने जीरो करना है। वो उसकी कंडीशन है, वो क्यों जीरो होते हैं मैं थोड़ी देर बाद बता दूंगा, लेकिन लाजमी डायगनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अब जरा इसका हम चेक करते हैं। सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, देखना ट्रांसपोज बराबर होगा नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स। जरा ट्रांसपोज निकालते हैं इसका। अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे ना तो क्या होगा? 0 -2 3। जरा आप लोग बताओ, इसकी रॉस को हमने कॉलम में बनाना है, तो नेक्स्ट कॉलम में क्या लिखूं? 2 0 5 अच्छा, कोई और स्टूडेंट बताए नेक्स्ट कॉलम क्या होगा? -3 -5 0 एक्सीलेंट भाई, ये आपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लिया। फिर एक काम करते हैं, इस मैट्रिक्स का एक तो हमें ट्रांसपोज निकाला, ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो जरा नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स भी निकाल लेते हैं, मतलब -a। -a का मतलब इस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो हर एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। 0 को माइनस से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसको माइनस से करो ये 2 हो जाएगा, इसको माइनस से करो -3। अच्छा, -2 0 -5। अच्छा, इन सबको माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएंगे 3 5 0। तो अगर तो ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक थी, तो फिर उसके अंदर उसका ट्रांसपोज बराबर होना चाहिए नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स के, और आप देखो बराबर है।
ट्रांसपोज को देखो और नेगेटिव ए मैट्रिक्स को देखो, ये है ट्रांसपोज मैट्रिक्स और ये है नेगेटिव ए मैट्रिक्स। ऑब्जर्व कर लो, देखो दोनों बराबर है आपस में, दोनों के ऑर्डर सेम, ऑब्वियसली स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सेम ही होंगे, दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, ठीक है। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए, तो समझ जाना वो मैट्रिक्स क्या है, वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और बिल्कुल ये तो स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है ना, अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर देखो कि उसके अंदर क्या कंडीशन के तहत आपने बनाई है, तो उसमें सिंपल कंडीशन क्या होती है कि ए आई जे बराबर होता है नेगेटिव ऑफ ए जे आई, मतलब ये जो ऊपर आपने पढ़ा था ना, बस नेगेटिव होना चाहिए एलिमेंट। जैसे अगर ये माइनस टू है तो फिर ये टू हो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, अगर ये थ्री है तो ये माइनस थ्री हो, अगर ये फाइव है तो ये माइनस फाइव होना चाहिए। मतलब ये जो पोजिशन है ना, वन टू और टू वन, इनके दरमियान नेगेटिव होना चाहिए बस। अगर वन टू पोजिशन पे जो एलिमेंट है वो माइनस टू है तो जो टू वन पे होगा वो टू होगा, अगर वन थ्री पे एलिमेंट थ्री है तो थ्री वन पे माइनस थ्री होना चाहिए। तो ये कंडीशन जो मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही होती है उस मैट्रिक्स को आप बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। और यहां से आप इस कंडीशन को सवाल करके ऑब्जर्व करोगे डायगनल एलिमेंट जीरो आएंगे, क्यों? फॉर एग्जाम्पल ये जो डायगनल एलिमेंट है वन वन, इसकी जरा बात करते हैं कि ए वन वन बराबर होना चाहिए, यहां पे भी आप देखो आई और जे दोनों सेम है ना, तो आप इंटरचेंज कर दो तब भी आपको वन वन नजर आएगा, क्योंकि आई और जे इक्वल है आपस में, तो आई जे करो या जे आई करो बात तो एक ही है। इसी तरह इसमें क्या होगा, ए टू टू इज इक्वल टू माइनस ए टू टू, इसके अंदर होगा ए थ्री थ्री इक्वल टू माइनस ए थ्री थ्री। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे? ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि एक नंबर अपने नेगेटिव के बराबर है, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या वन माइनस वन के बराबर होता है? क्या टू माइनस टू के बराबर होता है? नहीं। तो इस कंडीशन को एक ही नंबर सेटिस्फाई करेगा, तो कौन सा नंबर है? जीरो। जीरो वाहिद नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो दैट्स वाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ये कंडीशन होती है ना, तो डायगनल एलिमेंट जो है वो जीरो होना लाजमी है, क्योंकि जीरो के अलावा अगर कोई डायगनल एलिमेंट होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि इस कंडीशन के तहत वो अपने नेगेटिव के बराबर होगा। सिर्फ जीरो ही ऐसा है जो अपने नेगेटिव के बराबर है, कि जीरो माइनस जीरो के बराबर होता है, एक ही बात समझी जाती है, ठीक है। तो तभी मैंने बोला था कि इसके डायगनल एलिमेंट जो है वो हमेशा क्या होंगे? जीरो होंगे, सही। जबकि इस वाले में अगर आप डायगनल की कंडीशन लगा दो तो वो उससे मर्जी आपकी। जैसे इसकी कंडीशन क्या बनेगी, ए वन वन इज इक्वल टू ए वन वन, इस कंडीशन को हर एलिमेंट सेटिस्फाई करता है, कोई भी रियल नंबर पिक कर लो वो अपने बराबर है। तो दैट्स वाई यहां पे मैंने क्या बोला था भाई, कोई भी डायगनल एलिमेंट रख लो सब सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन यहां पे कौन करेगा? जस्ट जीरो करेगा और कोई नहीं करेगा। अच्छा जी, उसके बाद 14 टाइप जो है उसको देखते हैं, और वो मैट्रिक्स होती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये ऐसी मैट्रिक्स होती है बच्चों जो इस कंडीशन, सबसे पहले बस स्क्वायर तो होगी लाजमी है, हाँ स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी, ये तो लाजमी इसमें है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ये ऐसी किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो जरा देख लेते हैं। तो स्क्वायर तो लाजमी होगी, और ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी? ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो ये ऐसी मैट्रिक्स होगी कि जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे, स्क्वायर का मतलब इस मैट्रिक्स को अपने आप से मल्टीप्लाई करोगे, कि ए मल्टीप्लाई ए, जिसको आप ए स्क्वायर कहते हो, तो वो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसका स्क्वायर भी ले लोगे तो ये अपने आप के बराबर ही होगी। इसको इस तरह समझ लो कि कोई ऐसा नंबर हो जिसका आप स्क्वायर करो वो अपने बराबर ही हो, वन जीरो, ये दोनों सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, कि वन का अगर आप स्क्वायर ले लो तो आंसर वन ही आता है, या जीरो का स्क्वायर ले लो आंसर जीरो ही आएगा। बाकी तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा नंबर नहीं है ना जिसका आप स्क्वायर करो अपने आप के बराबर है। तो मैट्रिक्स के अंदर भी ऐसी मैट्रिक्स जिसका जब आप स्क्वायर करो और वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें मैट्रिक्स बनाने की कोई कंडीशन मुझे पता नहीं है, तो मैंने सर्च भी किया था, मुझे ऐसी कंडीशन मिली नहीं थी कि आप अपनी तरफ से आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बनाओ। तो जो एग्जांपल है हम उसी को डिस्कस कर लेते हैं। मुझे वाली एग्जांपल है जो बुक में भी लिखी है, मे बी इसकी कंडीशन हो लेकिन डिस्कस हुई भी नहीं है,
शिवा ने तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की भी डिस्कस नहीं की है, लेकिन उसकी मुझे मिली थी, मैंने आराम से देख के ना यूट्यूब से पढ़ के, गूगल से पढ़ के मैंने देखा था, उसमें कंडीशन लिखी हुई थी। लेकिन आइडम्पोटेंट की मुझे नहीं पता, कोई ऐसी कंडीशन में भी हो जिससे आप आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बना सको, लेकिन मेरे इनमें कोई है नहीं। बहरहाल ये जो मैट्रिक्स है, अभी आप लोगों का काम है, क्योंकि अभी आप लोगों को मैंने मल्टीप्लीकेशन और मैट्रिक्स वाला टॉपिक नहीं करवाया, जब हम वो कर लेंगे ना तो आप ऑब्जर्व करना कि जब इस मैट्रिक्स को मैं अपने आप से इसके मल्टीप्लाई करूंगा तो देखना रिजल्ट ए के बराबर ही आ रहा हूँ। या सिंपल लैंग्वेज में जब मैं इसका स्क्वायर मालूम करूंगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट जो है वो यहाँ पे ए के बराबर आ रहा होगा। तो जब मैं करवाऊंगा ना मल्टीप्लीकेशन, तब आप लोग, अच्छा बुक में डिस्कस हुआ है, अगर आप देखो पेज नंबर 30 पे तो ना मल्टीप्लाई करके दिखाया है, तो अगर चाहो तो आप लोग देख सकते हो उसको। उसके बाद आ जाओ, एक और मैट्रिक्स है, इसको हम कहेंगे निलपोटेंट मैट्रिक्स। नाम से बता रही है, निल का मतलब ये समझ लो खत्म होना, जीरो हो जाना। तो अगेन ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और दूसरी किस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, कंडीशन है बुक वाले नोटेशन में यूज कर रहा हूं, इसके लिए हम ओ लिखते हैं, जीरो लिखना मुनासिब नहीं है। वो इसलिए मुनासिब नहीं है कि कोई भी मैट्रिक्स जीरो के बराबर नहीं होगी, वो नल मैट्रिक्स के बराबर आंसर आ सकता है, जीरो नहीं हो सकता। अब जरा इसको समझो कि ऐसी मैट्रिक्स जिसकी आप कोई भी पावर कर दो, फॉर एग्जाम्पल आपने पावर उसकी स्क्वायर की, या आपने उसकी पावर क्यूब की, या आपने उसकी पावर फोर की, और रिजल्ट उसका नल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। अब ये डिपेंड करेगा हर मैट्रिक्स के ऊपर, कोई ऐसी निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी कि जिसका आप क्यूब करोगे तो रिजल्ट नल मैट्रिक्स आ जाएगा, या कुछ ऐसी निलपोटेंट मैट्रिक्स होंगी जिनका आप स्क्वायर करोगे तो रिजल्ट नल मैट्रिक्स आ जाएगा। तो डिपेंड करता है, अब वो जो पी मैंने लिखा, मैं जनरलाइज बात की है, ये पी जो है वो किसी मैट्रिक्स में अलग होगा, किसी मैट्रिक्स में अलग होगा। मे भी कुछ ऐसी मैट्रिक्स हो जिसकी जब आप पावर 10 लो तो उसके रिजल्ट में नल मैट्रिक्स आए। तो अगर किसी मैट्रिक्स की जब आपने कोई पावर ली है, अब वो पावर 2 भी हो सकती है, पावर 3 भी हो सकती है, पावर हो सकती है कोई भी इंटीजर, अगर रिजल्ट उसका नल मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है तो आप उस मैट्रिक्स को क्या बोलोगे, निलपोटेंट मैट्रिक्स। और इसमें जो पी है ना लिखा हुआ, पी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये जो पावर है ना, ये पावर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, जेड पॉजिटिव का मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, और ये जो स्मॉलेस्ट पी होगा इसको आप क्या बोलोगे, निलपोटेंट। इसको मैं बता देता हूं कि पी क्या कहलाया जाएगा, इसको हम बोलेंगे निलपोटेंट सी इंडेक्स। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी डिस्कस की होगी ना, एग्जाम्पल भी साथ लिख लेते हैं। अगेन इसकी मुझे कंडीशन नहीं पता कि आपने निलपोटेंट मैट्रिक्स कैसे बनानी है, आई गेस इनकी कंडीशन इतनी इजी होती नहीं है कि आप अपनी पसंद से कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स बना दो। तो जो एग्जाम्पल डिस्कस की मैं वही बता देता हूँ आप लोगों को, ये मैट्रिक्स है, इसमें आप लोग चेक कर लेना, बुक में मेंशन भी है, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3। तो बुक वालों ने प्रूफ किया हुआ है कि जब आप इस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकाल रहे हो तो रिजल्ट नल मैट्रिक्स आ रहे हैं। जरूरी नहीं कि अगर आप उसका स्क्वायर निकालो तो ही नल मैट्रिक्स आनी चाहिए, मैंने बताया पी कोई भी हो सकता है, पी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, मे बी आपने 3 या पावर 4 निकाली हो तो उसका नल मैट्रिक्स आ रहा है, किसी भी पावर पे अगर उसका आंसर नल मैट्रिक्स आ रहा है तो उस मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे, निलपोटेंट मैट्रिक्स, और जो उसकी पावर होगी उसको आप क्या बोलोगे, निलपोटेंसी इंडेक्स। एक और वर्ड भी उन्होंने क्या यूज किया हुआ है, डिग्री ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स, इस तरह भी आप कह सकते हो कि निलपोटेंट मैट्रिक्स की डिग्री क्या है, मतलब पी की बात की जा रही है, जैसे ये जो मैट्रिक्स है ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है और इसकी डिग्री क्या है, 2 के बराबर है, या इसको आप इंडेक्स भी बोल सकते हो, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स या निलपोटेंसी इंडेक्स बोल सकते हो, कुछ भी आप इसको नाम दे दो। असल चीज क्या है कि कोई भी पावर होनी चाहिए और उस पावर पे आपको नल मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे, निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो सवाल तो पूछते जाना। उसके बाद है इन वॉल्यूट्री मैट्रिक्स, अच्छा, अगेन ये सारी जितनी भी मैं डिस्कस कर रहा हूं ये स्क्वायर ही होती है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, कंडीशन क्या, बस एक दो और रहेगी,
कंडीशन है कि ए स्क्वायर बराबर होना चाहिए आई के। मतलब अगर आप कोई ऐसी मैट्रिक्स देखो जिसमें जब आपने उसका स्क्वायर किया और रिजल्ट में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई है, ये क्या बात हुई। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, ऑब्वियसली स्क्वायर होनी चाहिए। आपने उस मैट्रिक्स का स्क्वायर मालूम किया, जब आपने उसका स्क्वायर मालूम किया और रिजल्ट में आपको ये मिले जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, तो फिर उस मैट्रिक्स को क्या बोलोगे आप? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसका जब आप स्क्वायर करो तो रिजल्ट में आपको क्या मिले? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अगर 2x2 की वो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो जब आप स्क्वायर करोगे तो 2x2 की आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, मतलब 1001 मिल रहा। फिर मैं एग्जाम्पल भी आप लोगों को बता देता हूँ। एग्जाम्पल उन्होंने 3x3 की दी हुई है, -5 -8 0 3 5 0 1 2 -1। तो आप इसमें ऑब्जर्व करो, आप इसका स्क्वायर निकालना, मतलब इसी मैट्रिक्स को आप इसी से मल्टीप्लाई करना, रिजल्ट आप देखोगे, रिजल्ट में आपको क्या मिल रहा होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही होगी, आई मिल रहा होगा। दैट्स व्हाई इस मैट्रिक्स को बोलोगे इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। उसके बाद इन टाइप्स की आखिरी है जिसको आप बोलोगे पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स आपको काइंड ऑफ नजर आएगी, इन्होंने किस नोटेशन में लिखा हुआ है, चलो मैं भी इस नोटेशन में करवा देता हूँ। ये काइंड ऑफ आपको आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स जैसी लगेगी, लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है। सिंपल लैंग्वेज में इस कंडीशन को समझने से पहले आप एक और कंडीशन समझ लो कि देखो, ये समझ लो कि जो आइडम्पोटेंट है ना, ये भी एक किस्म की पीरियोडिक मैट्रिक्स ही है। आप इसको इस तरह समझ लो, पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि चीज रिपीट करना हो। कि बिलफर्ज अगर आप उस मैट्रिक्स में इस तरह समझ लो कि अगर आपने देखा हो कि आपने जरा किसी मैट्रिक्स का क्यूब निकाला हो और उसका क्यूब जो है वो उसी के बराबर आ जाए, या अगर आपने किसी मैट्रिक्स की पावर 4 निकाल ली हो, कोई भी बात हो सकती है, जब भी रिजल्ट उसी के बराबर आ रहा हो तो आप पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलोगे। चाहे आपने उसका क्यूब निकाला हो, चाहे आपने उसकी पावर 4 निकाली हो, चाहे आपने कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन थी बिलफर्ज, आपने उसकी पावर 5 निकाली और रिजल्ट उसी के बराबर आ गया, तो अब आप उसको बोलोगे पीरियोडिक मैट्रिक्स। जरूरी नहीं कि उसकी पावर 5 पे आपको, अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैट्रिक्स ए है, इसकी आपने पावर 4 निकाली, रिजल्ट में आपको मैट्रिक्स ए मिली, जरूरी नहीं कि जब आप इसका क्यूब निकालोगे तब भी आपको ए मिल रहा होगा। नहीं, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही किसी भी पावर के ऊपर, कि पावर 4 पे आपको ए मिल गया या पावर 5 पे आपको ए मिल गया, तो अगर आपको बस ए मिलना चाहिए, ये कंडीशन है। किसी भी पावर में मिलेगा वो हम जरा बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, हमें किसी तरह ए मैट्रिक्स मिलनी चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे? पीरियोडिक मैट्रिक्स। कि आपने उसकी पावर 4 की या पावर 10 की, आपको वही दोबारा मैट्रिक्स मिल गई। ठीक है, तो इसको आप इस तरह समझो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में होता था ना, कि बिलफर्ज आप साइन 30 डिग्री जो है वो 1/2 होता है, आप 30 के अंदर दोबारा 360 डिग्री ऐड करो, दोबारा 1/2 मिलेगा, दोबारा रिपीटेशन आपको नजर आएगी, तभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी पीरियोडिक फंक्शन बोला जाता है। तो ये हल्का फुल्का वहीं से कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया था। अब इन्होंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है? इसको नॉर्मली इस फॉर्म में भी लिख सकते थे, ए की पावर पी बराबर हो ए के, मतलब काइंड ऑफ इस टाइप के नोटेशन इस तरह भी लिख सकते थे। इन्होंने एक और चीज बताई है, उसको हम बोलते हैं पीरियड निकालना। कि ये है तो फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो एक पीरियडिक मैट्रिक्स है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि इसका पीरियड क्या है तो पीरियड कैसे बताओगे? फॉर एग्जाम्पल ए की पावर 4 ए के बराबर है, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 4 को 3+1, तो ये जो 3 है ना, ये क्या कराया जाएगा? ये कराया जाएगा पीरियड। इसको आप इस तरह समझ लो, ठीक है। क्यों पीरियड कह रहे हैं? क्योंकि जब ए 3+1 को आप इस तरह भी लिख सकते हो ना, कंडीशन को इस तरह भी लिख दो, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो आपने इस मैट्रिक्स ए से क्या मल्टीप्लाई किया है कि रिजल्ट में आपको ए मिल रहा है? आपने इस मैट्रिक्स ए से ए क्यूब मल्टीप्लाई किया है। तो दैट्स व्हाई आप बोलोगे यहाँ पे जो मल्टीप्लाई आप कर रहे हो ना, पीरियड यहाँ पे क्या आ रहा है? जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप ऐसा कौन सा एंगल ऐड करते हो कि आपको सेम वैल्यू मिलती है? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा लेटेस्ट है, अभी शायद आप लोगों को ना पता हो, आप कैलकुलेटर में वेरीफाई कर सकते हो। साइन 30 डिग्री जो है ये 1/2 होता है, लेकिन अगर मैं 30 डिग्री के अंदर 360 डिग्री ऐड करूंगा तो भी 1/2 मिल रहा होगा। तो इसी तरह 360 को आप क्या बोलोगे? ये पीरियड है, सही है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे पीरियड क्या माना जाएगा? जो भी पावर है ना उससे एक कम कर दो, या फिर उसको इस तरह लिख दो, दोनों तरीके हो सकते हैं। अगर आपने देखो ए क्यूब ए के बराबर है तो उसमें पीरियड क्या है? 3 में से 1 माइनस कर दो 2, आप बोलोगे इस मैट्रिक्स ए का पीरियड 2 है। या आप इसको इस फॉर्म में लिख दो कि पावर को ब्रेक कर दो, 3 को ब्रेक कर देना 2+1 में, 2 क्या कहलाया जाएगा? पीरियड कहलाया जाएगा।
दैट्स व्हाई उन्होंने इस फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट किया। तो इस तरह आप यहाँ पे के को क्या बोलोगे, के यहाँ पे पीरियड है, वेयर के इज कॉल्ड पीरियड। सही है, तो मसला हो तो बच्चों पूछते रहना। तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि के वन के बराबर भी हो सकता है या वन से ग्रेटर हो। वन के अगर बराबर होगा तो यही मैट्रिक्स बन जाएगी, मतलब अगर के वन होगा तो वन प्लस वन टू, मतलब ये कौन सी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये समझ लो कुछ ऐसी भी पीरियोडिक मैट्रिक्स होती हैं, जितने भी आइडम्पोटेंट है वो सब पीरियोडिक तो है, क्योंकि जितने भी आइडम्पोटेंट है वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है जिसको आप इस कंडीशन में लिख सकते हो। तो इसका मतलब इसका पीरियड वन है और ये पीरियोडिक मैट्रिक्स ही है, लेकिन जितनी पीरियोडिक है वो सब आइडम्पोटेंट नहीं है, क्योंकि आइडम्पोटेंट की ये वाहिद कंडीशन है। तो ये वाली मैट्रिक्स आइडम्पोटेंट नहीं है, क्योंकि आइडम्पोटेंट के लिए स्क्वायर जो है वो कंडीशन होती है। ठीक है, तो जितनी भी आइडम्पोटेंट है वो पीरियोडिक तो है, लेकिन जितनी पीरियोडिक है वो सब आइडम्पोटेंट नहीं है। ये थोड़ा बहुत आपको फर्क नजर आता है। तो के कोई भी क्या होना चाहिए, कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन ग्रेटर देन वन होना चाहिए। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, ग्रेटर इंटीजर होना चाहिए और ग्रेटर देन वन होना चाहिए, तो उसी के अंदर बात आ गई। जब वन से ग्रेटर होगा तो पॉजिटिव ही होगा। सही है, तो ये भी बता दिया। अब मैं कोई एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ ताकि टॉपिक कंप्लीट हो जाए। 1 -2 -6 -3 2 9 2 0 -3। तो ये मैट्रिक्स है, इस बुक में उन्होंने पूरा सॉल्व किया हुआ है इसको। अगर आप इसका स्क्वायर निकालोगे ना तो आपको ए मैट्रिक्स नहीं मिलेगी, अगर आप इसका क्यूब निकालोगे तो आपको ए मैट्रिक्स मिलेगी। आप इसमें देखना, जब आप इसका क्यूब निकाल रहे होगे ना तब आपको ए मिलेगा, इसके स्क्वायर पे आपको ए नहीं मिलेगा, इसके क्यूब पे ए मिलेगा। पर ऐसा भी हो सकता है कभी उसके क्यूब पे भी ए ना मिले, उसकी पावर 5 पे ए मिल जाए। बस मैट्रिक्स ए के बराबर आनी चाहिए कोई भी पावर उसकी, तो आप उसको क्या बोल दोगे, पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस मैट्रिक्स का पीरियड क्या है तो क्या बोलोगे आप लोग? टू के बराबर है। ठीक है, मैं कल में टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों 17 टाइप्स हो गई हैं, माजरत के साथ दो टाइप्स और रह गई हैं, तो बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, दो टाइप में करवा दो टॉपिक कंप्लीट, आप लोगों की छुट्टी हो जाएगी। उसको आप बोलते हो हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड होती है, ये ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी, ये तो लाजमी है। और दूसरी इसकी कंडीशन क्या होती है कि अगर आप इस मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालो तो वो ए के बराबर हो जाएगा, यही कंडीशन है। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आप ये कंसीडर कर रहे होते हो। नॉर्मली स्क्वायर मैट्रिक्स आप रियल नंबर के अंदर कर रहे होते हो ना, लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लो कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे, तो फिर उन स्क्वायर मैट्रिक्स को आप हर्मिशियन कब बोलोगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्यों कब में देखते हैं। अब ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी है, जरा कंडीशन भी बना लेते हैं, मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ किस तरीके से आपने कंडीशन बनानी है। 2 by 2 की डिस्कस करते हैं ताकि उसको सॉल्व करना भी इजी होगा थोड़ा। 3 by 3 की, चलो 3 by 3 की डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, आप डायगनल में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लो, सबसे इजी कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करते हैं 1 2 3, ये इजी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसमें इमेजनरी पार्ट नहीं है तो आसानी हो जाएगी। जबकि यहाँ पे हम थोड़े मुश्किल कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेट करते हैं 1 + 2 iota, यहाँ पे करते हैं -2 + 3 iota। मतलब यहाँ पे हम क्या करें, इसकी कंडीशन क्या थी, इसमें आई गेस हाँ कॉन्जुगेट होगा, जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है ना उसका आई गेस कॉन्जुगेट लेना होता है आपको, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है उसका कॉन्जुगेट यहाँ पे लेना होगा। अब इनफर्स यहाँ पे कंसीडर कर लो, लिखा हुआ है 2 + iota, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 2 - iota। मुझे वेरीफाई करने दो, कॉन्जुगेट लेना ना यहाँ पे, हाँ कॉन्जुगेट वाली कंडीशन, हाँ बिल्कुल सही है। तो आपने बनाने का तरीका भी देख लिया कि डायगनल एलिमेंट में आप अपनी तरफ से कुछ भी चूज कर लो कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने तो काफी इजी चूज किया, आप यहाँ पे 1 + iota 2 + iota इस तरह भी लेट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा इजी रखने के लिए मैंने अपनी तरफ से कुछ भी यूज कर लिए। जबकि बाकी जो है ना, यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका कॉन्जुगेट यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका कॉन्जुगेट यहाँ पे, और यहाँ पे जो एलिमेंट है उसका कॉन्जुगेट यहाँ पे। अगर आप ऑब्जर्व करो, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है, आप कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हो।
क्या कंडीशन है कि जब आप इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लो और उसके बाद ट्रांसपोज लो तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर ही आएगी। हम जरा करके देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका कॉन्जुगेट निकालो, रियल नंबर में तो कॉन्जुगेट तो वही होंगे ना, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वन माइनस टू आयोटा, इसका हो जाएगा माइनस टू माइनस थ्री आयोटा, वन प्लस टू आयोटा, टू माइनस आयोटा, माइनस टू प्लस थ्री आयोटा, टू प्लस आयोटा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट निकाला, फिर कॉन्जुगेट निकालने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, इसका ट्रांसपोज निकालता हूं। तो इस रॉ को मैं कॉलम बना देता हूं। अच्छा जी, इस रॉ को भी मैं कॉलम बना देता हूं और लास्ट रॉ को कॉलम बना देता हूं। तो अब अगर आप ऑब्जर्व करो, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स इक्वल है आपस में, सेम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, सेम ऑर्डर है, हर चीज आपस में इक्वल है। तो ये ऐसी मैट्रिक्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। क्या कंडीशन है कि अगर इस मैट्रिक्स का मैं कॉन्जुगेट निकालूं और फिर मैं उसका ट्रांसपोज निकालूं तो वो बराबर होगा ओरिजिनल मैट्रिक्स के। अच्छा, ये बात उल्टी भी हो सकती है कि पहले आप ट्रांसपोज निकालो फिर आप कॉन्जुगेट निकालो, एक ही बात है। ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, ये एक ही बात होती है, बराबर होते हैं आपस में। तो आपकी मर्जी है, कोई भी पहले चीज निकाल लो तो देखोगे आप ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर है, तो आप ये बोल दोगे कि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैं स्क्यू हर्मिशियन में बता देता हूं। इसकी वही जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपने पढ़ी थी ना, उसी टाइप की है, एलिमेंट्स वही है जो सिमेट्रिक में आपने पढ़े थे, बस कंडीशन का फर्क है, सिमेट्रिक में एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, यहां पे एलिमेंट्स का आप कॉन्जुगेट ले रहे हो, बाकी कंडीशन वही थी, उसी टाइप की है जो आपने उधर पढ़ी थी। आखिरी टाइप है बच्चों, और वो है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, अगेन स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है कि आप इसका कॉन्जुगेट लो, ट्रांसपोज लो, ये बराबर हो माइनस ए के। वो ये जो स्क्यू सिमेट्रिक में आपने पढ़ा था कि माइनस आ गया था। अब मैं इसके टू बाय टू की एग्जांपल देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। अगेन जैसे आपने स्क्यू सिमेट्रिक में देखा था ना कि डायगनल आपने जीरो लिए थे, यहां पर भी आपको डायगनल जीरो लेना पड़ेगा, ये तो लाजमी है। फिर यहां पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है टू प्लस थ्री आया था, तो इसके साथ क्या होगा, आप उसका रियल पार्ट के साथ नेगेटिव लगा दो, माइनस टू प्लस थ्री आ जाओ। कैसे मैंने बनाया, इसी तरह अगर आप इसको थ्री बाय थ्री पे लेकर आओगे तो ये वाली पोजीशन तो जीरो ही होंगी। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है फॉर एग्जाम्पल वन प्लस आयोटा, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो रियल पार्ट है उसको नेगेटिव कर दो, मतलब अब हम कॉन्जुगेट ही ले रहे हैं, बस रियल पार्ट को नेगेटिव करना है। बिल्कुल, यहाँ पे माइनस टू प्लस थ्री आयोटा है तो यहाँ पे क्या होगा, टू प्लस थ्री आयोटा, इधर रियल अगर माइनस टू था तो यहाँ पे टू कर दिया। यहाँ पे थ्री प्लस आयोटा है तो यहाँ पे माइनस थ्री प्लस आयोटा हो जाएगा। तो ये भी स्क्यू हर्मिशियन है, ये कंडीशन आप लोग खुद वेरीफाई कर लेना, मैं इसकी कंडीशन आप लोगों को वेरीफाई करके दिखा देता हूँ, और मैंने बनाना भी सिखा दिया आप लोगों को, तो खुद बनाओ, कंडीशन सॉल्व करते जाओ, समझ आती जाएगी बात। कंडीशन क्या है, सबसे पहले आप इसका कॉन्जुगेट निकालो, इसका कॉन्जुगेट होगा टू माइनस थ्री आयोटा, इसका हो जाएगा माइनस टू माइनस थ्री आयोटा, फिर कॉन्जुगेट का आप ट्रांसपोज निकालो, रॉ को कॉलम बना दिया मैंने, फिर सेकंड रॉ को भी मैंने कॉलम बना दिया, फिर ये जो मैट्रिक्स है किसके बराबर होगी, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स के, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का जरा नेगेटिव मालूम करते हैं, जीरो को माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस रहेगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो ये हो जाएगा। अगर आप ऑब्जर्व करो ये दोनों आपस में इक्वल है, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बराबर है माइनस ए के, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। जो मैट्रिक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे उसको आप क्या बोलोगे, स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, कोई सवाल है बच्चों यहां तक पूछ लो। अच्छा, इन्होंने बात लिखी हुई है कि हर्मिशियन के अंदर ना डायगनल एलिमेंट जो है वो रियल होने चाहिए, तो जरा मैं वेरीफाई कर लेता हूँ कि मुझे लगता था कि डायगनल कोई भी आप कॉम्प्लेक्स ले सकते हो। तो बिल्फर्ज अगर हम यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स ले लें, कोई इजी एग्जांपल मैं डिस्कस करके खुद वेरीफाई कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वन प्लस आयोटा, टू प्लस आयोटा, टू माइनस आयोटा, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टू माइनस थ्री आयोटा करते हैं, तो अगर ये हर्मिशियन है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका कॉन्जुगेट लेते हैं,
सब ट्रांसपोज लेते हैं। हाँ ये बराबर नहीं है ना, वही वही मसला हो रहा है डायगनल एलिमेंट का। हाँ अगर मैं डायगनल एलिमेंट में से इमेजिनरी हटा दूं तो अब ये इक्वल हो जाएंगे ना। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, करेक्शन ले लेना। पहले मैं समझता था कि जो डायगनल एलिमेंट है ये कोई भी कॉम्प्लेक्स आप अपनी तरफ से लेट कर सकते हो, नहीं ऐसा नहीं है, डायगनल एलिमेंट जो है ना ये रियल होने चाहिए। रियल में आप अपनी तरफ से कुछ भी लेट कर लो, लेकिन हर्मिशियन मैट्रिक्स के डायगनल जो है वो रियल होने चाहिए। ये बुक में उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, तभी मैंने चेक किया था, पेज नंबर 32 पे लिखा हुआ है, एन हर्मिशियन मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ मेन डायगनल आर रियल नंबर, मेन डायगनल के एलिमेंट रियल नंबर होने चाहिए, एंड सिमेट्रिक एलिमेंट्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। सिमेट्रिक एलिमेंट यही थे ना, ये वाले इसी तरह, ये वाले ये क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट होने चाहिए। दूसरे में क्या लिखा हुआ है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और मेन डायगनल ऑलवेज जीरो, हाँ ये तो जीरो ही रहेंगे, एंड सिमेट्रिक एलिमेंट्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, ये गलत जुमला है, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि यार ये गलत लिखा हुआ है उन्होंने, कि जो स्क्यू सिमेट्रिक में ये वाला एलिमेंट जो है ना ये कॉन्जुगेट नहीं होते, अगर आप ऑब्जर्व करें मैंने कॉन्जुगेट नहीं लिया, मैंने रियल का साइन चेंज किया है, तो स्क्यू सिमेट्रिक में कॉन्जुगेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये ध्यान में रखना, उसमें आप रियल का साइन चेंज कर रहे होते हो, जबकि इसमें आप बाकायदा कॉन्जुगेट दे रहे होते हो, ये दो फर्क आपको नजर आते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं एक आखिरी चीज क्लियर कर दूं, आप लोगों ने नॉर्मली 3x3 की मैट्रिक्स देखी है ना, अगर 4x4 की आ जाएंगी तो उसमें सिमेट्रिक वाला कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, ये जो आप एलिमेंट लेते हो ना ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, तो सिमेट्रिक में क्या होगी अगर 4x4 है, तो जरा मैं बता देता तो हूँ आप लोगों को, मैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाता हूँ, ठीक है, देखो इस असूल को याद रखना, अभी जो मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स बताई थी ना वो 3x3 की बनाई थी, असूल क्या था, असूल ये था कि ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, और यही चीज इसमें भी लगेगा क्योंकि आपने देखा था एलिमेंट तो वही सिमेट्रिक एलिमेंट वाला कॉन्सेप्ट था ना, तो अगर 4x4 भी आ जाए तो पोजिशन क्या होगी, अब अगर आप देखो इसकी पोजिशन है 1 2, इसकी पोजिशन क्या 2 1, तो ये आपस में बराबर होने चाहिए, इसकी पोजिशन है 1 3 और इसकी पोजिशन है 3 1, तो ये आपस में बराबर होने चाहिए, इसी तरह इसकी पोजिशन है 1 4, इसकी पोजीशन है 1 4, तो 7 और 7 बराबर होने चाहिए, ये मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आपको बता रहा हूँ 4x4 के अंदर। इसी तरह डायगनल एलिमेंट को तो छोड़ दो ना, वो तो आप अपनी तरफ से कुछ भी चूज कर लो। अच्छा इसी तरह इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है 2 3 और इसकी पोजीशन क्या है 3 2, ये दोनों आपस में बराबर है, इसकी पोजीशन है 2 4, इसी तरह इसकी पोजीशन है 4 2, इसी तरह इसकी पोजीशन है 3 4 और इसकी पोजीशन है 4 3, तो अगर 4x4 5x5 भी आ जाए ना, तो किसी ने अगर निशानी याद रखी हो इनकी तो वो चीज 4x4 पे भी आप लगा सकते हो, मतलब तो अगर कंडीशन आपको याद है ना, या वैसे अंदाजन भी आप इन दोनों को इस तरह आप ना मिलाओ तो आप ये कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो बच्चों टाइप्स का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, एक ये बहुत बड़ा पोर्शन होता है मैट्रिसेस के अंदर टाइप्स का। अब हमारी 2.1 इंशाल्लाह कितनी है, थोड़ी बड़ी है, 2.1 इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, बाकी पर एडिशन मल्टीप्लिकेशन या प्रॉपर्टीज है मैट्रिसेस की, फिर डिटरमिनेंट से स्टार्ट हो जाएगा।